हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूँ मंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी सिंपल सी साड़ी से सिक्स अप पैटर्न की नौवारी साड़ी ड्रैप कर सकती हैं। इस तरह की साड़ी को ड्रैप करने के लिए हमें 9 मीटर यार्ड वाली साड़ी चाहिए होती है, बट आज मैं आपको अपनी सिंपल साड़ी से इस वाले लुक को क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। सो अगर आपके पास 6 मीटर की साड़ी हो तो आप इसे ड्रैप कर सकती हैं। यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले यहाँ पर मैंने लेगिंग्स वेयर किया है, हालांकि आपको कुछ भी वेयर नहीं करना होता है, सीधे आप साड़ी को वेयर करना स्टार्ट कर देंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट मेरी साड़ी का पल्लू है एंड ये जो साड़ी है इसे मैंने मीशो से परचेज किया है, बाइंग कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी साड़ी में से ब्लाउज पीस नहीं रिमूव किया, इसकी वजह से 6 मीटर की साड़ी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, कमर के पास फैब्रिक को हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा 1.25 मीटर के करीब फैब्रिक आ जाए, यानी जो मेरी साड़ी का एंड पार्ट था वो यहाँ पर देखिए ब्लाउज पीस अटैच है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। कमर में अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर मैं सामने की तरफ देखिए नेवल के ठीक सामने डबल टाइटली सी नॉट लगा रही हूँ। ये नॉट आपको टाइटली लगानी है क्योंकि इसी पर हमारे जो ड्रैपिंग है वो डिपेंड होगी। तो इस तरह से नॉट लग जाने के बाद 2 पार्ट में साड़ी डिवाइड हो जाती है। अब हम अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाते हैं, उसके बीच में से देखिए लेफ्ट साइड के फैब्रिक को निकालते हुए सामने लेकर आएंगे एंड यहाँ पर मैं राइट हैंड से प्लीट बना रही हूँ। तो देखिएगा, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लीट बना सकती हैं, बट बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनाएंगी तो थोड़ा सा बैक साइड से बॉर्डर दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर मैं सभी साड़ियों की जितनी भी फैब्रिक है इनकी मैं प्लीट्स इस तरह से बना ली हूँ। प्लीट्स बन जाने के बाद इन प्लीट को आपको इक्वल करना होता है। इस तरह से इक्वल करने से हमारी प्लीट्स अच्छे से बैठ जाती है। अब देखिए, हैंड को इस तरीके से सेक करेंगे, झटक देंगे ताकि प्लीट्स अच्छे से यहाँ पर बैक साइड में सेट हो जाए। अब देखिएगा, बैक के सेंटर में हम इन प्लीट को टक करेंगे। अभी हम कोई सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे, केवल ऐसे ही टक करके छोड़ देंगे, आगे हम इसे सिक्योर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मेरा लेफ्ट लेग तैयार हो गया। सेम प्रोसेस मैं राइट वाले पैर पर करूँगी। राइट वाले पैर को उठाते हुए उसके बीच में से साड़ी को निकाल रही हूँ एंड यहाँ पर देखिएगा, जो मेरा पल्लू वाला पोर्शन है उसे हम लेंगे। तो ये मेरे साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, इसकी हम प्लीट्स इस तरह से बनाएंगे। देखिए, दोनों सिरे को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड से मैं प्लीट बना रही हूँ और ये जो फर्स्ट प्लीट है ये थोड़ी सी चौड़ी रखनी है, 1.5 इंच एंड उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की प्लीट्स थोड़ी सी पतली बनाते हैं ताकि अंदर की अनइवन प्लीट्स नजर ना आए। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन है वो हमारा राइट की तरफ, फ्रंट वाला लेफ्ट की तरफ होना चाहिए एंड इसके बाद से हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए हम शेक करेंगे। थोड़ी सी दूरी पे जब हमें प्लीट्स नज़र आएगी तो हम साइड से 1 बाय 1 झटकते हुए इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करेंगे। झटकते इसलिए ताकि आगे की प्लीट्स नज़र आए। सो यहाँ पर देखिए, हमने प्लीट्स को अरेंज कर लिया है। अब हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम घुटने तक ही रखेंगे क्योंकि हम सिंपल साड़ी से इसे ड्रैप करें, इसलिए हमें पल्लू की लेंथ शॉर्ट ही रखनी है। अब हम अपने ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा, सेफ्टी पिन आपको लगाने के लिए ब्लाउज के जो शोल्डर की स्टिचिंग होती है उसके 1 या 2 इंच बैक में जाइएगा। उसके बाद ब्लाउज के साथ पल्लू को पकड़ते हुए सेफ्टी पिन को अंदर की तरफ से देखिए इंसर्ट करके, जब उसकी शार्पनेस आपको बाहर दिखाई दे तो वापस से आपको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है एंड उसके जो पिन का लॉक होता है उसे यहाँ पर लॉक कर लेना है। सो इस तरीके से आपको ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन को लगानी है। कभी भी आपको शोल्डर के ऊपर या शोल्डर के सामने सेफ्टी पिन नहीं लगानी है, नहीं तो आपका पल्लू सामने की तरफ गिरता रहेगा। अब पल्लू को सिक्योर करने के बाद देखिए, पैर के बीच में से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको खींचकर सामने लेकर आना है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, जो पल्लू वाला पोर्शन है ना उसी का ये वाला हिस्सा है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सामने में लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर जो पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर है इसको अपने बस्ट एरिया पर सेट करते हुए टाइटली से लेकर जाइएगा और जो बैक साइड का कास्ट हमने टक किया है ना, यहीं पर हम उस पल्लू वाले फैब्रिक को लेकर आएंगे अंदर की तरफ एंड यहाँ पर देखिएगा, एक ही सेफ्टी पिन से हमारा कास्टा और पल्लू दोनों सिक्योर हो जाते हैं। सो इस तरह से हम यहाँ पर पल्लू और अपनी बैक साइड की प्लीट को एक साथ पकड़ते हुए सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करते हैं। ऐसा करने से हमारी एक ही सेफ्टी पिन से पल्लू और कास्टा दोनों अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपका पल्लू काफ़ी अच्छे से टाइटली से सेट हो चुका है। अब जो सामने की तरफ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेकर आए थे, ये जो मेरी साड़ी है जो पैर के बीच में से मैंने निकाली थी, इनकी हम प्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं सामने से ही प्लीट बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। लेफ्ट हैंड से मैं प्लीट बना रही हूँ, अगर आप राइट हैंड वाले हो तो राइट हैंड से भी बना सकती हैं। सामने की 2 फिंगर में फंसाया है मैंने और बैक के स्मॉल फिंगर थंब से पहले फैब्रिक को पकड़ा था, उसके बाद इस तरीके से 1 बाय 1 हम प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी प्लीट्स बनाने नहीं आती, तो मेरे चैनल पे काफ़ी इजी ट्रिक मिल जाएंगे प्लीट्स बनाने के। अब यहाँ पर देखिए, आपको प्लीट का डायरेक्शन राइट की तरफ रखना है, लेफ्ट की तरफ नहीं करना है। इस तरीके से राइट की तरफ रखते हुए हम प्लीट्स को ऊपर से बॉर्डर मिलाते हुए अच्छे से यहाँ पर अरेंज करेंगे।
प्लीट्स को इक्वल जब कर लेंगे तो देखिए हमारी प्लीट्स यहाँ पर बन चुकी हैं। अब हम इसे अपने कमर में सामने की तरफ टक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पार्ट मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ जहाँ मुझे टकिंग करना है। अब हम अपने नेवल के ठीक सामने रखते हुए जहाँ मैंने नॉट लगाई है वहीं पर मैं इन प्लीट को टक कर रही हूँ सामने की तरफ ही। देखिए इस तरीके से प्लीट को टक करने के बाद शेक कर देंगे यानी झटक देंगे ताकि अंदर तक प्लीट्स चली जाए। अब हमारी प्लीट्स टक हो चुकी है यहाँ पर। तो देखिएगा हमें क्या करना होगा, नीचे से जो हमने ये प्लीट बनाई है ना यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरीके से उठाएंगे। यहाँ पर फैब्रिक को उठाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो राइट वाला पैर है वो ज़्यादा विजिबल ना हो। देखिए बहुत ही कम दिखाई दे इस तरीके से फैब्रिक को आपको उठाना है। जब आप फैब्रिक को यहाँ एक सीध में उठा लेंगी तो यहाँ देखिए जो बॉर्डर वाला केवल हिस्सा है उसे मैं यहाँ पर टक करूँ इस तरीके से बॉर्डर को हाईलाइट करते हुए। अब इस तरीके से देखिए ये फर्स्ट जो बेल का आकार ये बन रहा है ना इस तरीके से, इसके ठीक सामने मैं फैब्रिक को पकड़ते हुए फर्स्ट जो मेरा बेल वाला था हिस्सा उसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट करते हुए मैं छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से बैक साइड से सिक्योर करूँगी। छोटी सेफ्टी पिन लगाइएगा ताकि ये ज़्यादा नज़र ना आए। अब देखिए ये हमारी एक बेल बन चुकी है इस तरीके से जिगजैग स्टाइल। तो इसी तरह से आपको फॉलो करना है। जब आप इसे ठीक करेंगी तो देखिएगा यहाँ पर आपकी दूसरी बेल बनेगी इस तरीके से। देखिए जहाँ इसका एंड होता है ना, जब आप इसको इस तरीके से खींच रही हैं, देखिए यहाँ एंड हुआ, इसके ठीक सामने मैं इस तरीके से बॉर्डर वाले हिस्से को पकड़ते ऊपर उठा रही हूँ। एंड ऊपर जहाँ मेरा बेल ख़त्म हुआ था जो जिगजैग वाला पैटर्न, वहाँ पर इसके कॉर्नर को रखते हुए सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर बैक साइड से सिक्योर करेंगे। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है बट आप ध्यान देंगी तो ईजिली से बनेगी। तो यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाकर ठीक करते हुए हम नीचे तक जाएंगे। जब आप इसे ठीक करती हैं ना इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए बेल का अपने आप डिज़ाइन बनते चला जाता है। तो देखिए फिर से जहाँ उसका कॉर्नर ख़त्म होता है ना, देखिए फोल्डेड वाला पार्ट, वहीं से मैं फैब्रिक को सीध में उठाती हूँ और पकड़ते हुए सेफ्टी पिन के हेल्प से यहाँ पर सिक्योर करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना भी आपका बने आप बना लीजिएगा। ये आपकी साड़ी के लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कितनी बेल बनेगी, बट ज़्यादातर 3, 4 या 5 इससे ज़्यादा नहीं बन पाती है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया जिगजैग पैटर्न। थोड़ा सा हैंड से प्रेस कर देंगे एंड पल्लू को इस तरीके से सेट कर लेंगे। इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी सिंपल सी साड़ी से नौवारी स्टाइल साड़ी रैप कर सकती हैं, वो भी जिगजैग पैटर्न में। जबकि इस तरह की साड़ियाँ आपको मार्केट में बनी बनाई मिलती है, बट आप चाहे तो अपने से भी इस तरह की साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।